महिलाओं के ऊपर पोयम सुनाऊंगी, विमेंस के ऊपर, औरतों की कैसे शादी करते हैं लोग, बहुत प्यार से करते हैं लेकिन उनकी कमी कैसे, वो उनकी अहमियत धीरे धीरे कम होती जाती है, मेरी इस पोयम में वो है, ध्यान से सुनिएगा। याद हैं वो सात फेरे तुम चले थे संग संग मेरे, याद हैं वो सात फेरे तुम चले थे संग संग मेरे, तुमने मुझे वचन दिए थे मेरे हाथों में हाथ रखकर, अब मैं तुम्हारे तब मैं तुम्हारे बराबर थी, आज कहीं पीछे ही छूट गई हूँ, हम में अब सिर्फ तुम ही हो, मैं तो कहीं खोसी गई हूँ, हम में अब सिर्फ तुम ही हो, मैं तो कहीं खोसी गई हूँ, क्यों जब मैं ऑफिस से आती हूँ, क्यों जब मैं ऑफिस से आती हूँ कभी तुम पूछते नहीं क्या बना दूँ, मेरा सिर भी दुखता बहुत है, तुम क्यों नहीं पूछते कि मैं दबा दूँ, तुम भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि तुम मुझे प्यार बहुत करते हो, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि तुम मुझे प्यार बहुत करते हो, तुमसे थोड़ा आगे ना बढ़ जाऊँ इस बात से क्यों डरते हो, तुम्हारी तरक्की ही मेरी तमन्ना है, तुम्हारी तरक्की ही मेरी तमन्ना है, लेकिन तुम्हें मेरे सपनों को पूरा नहीं करना है, क्यों कभी किसी बात पर मेरी राय जरूरी नहीं है, ये अक्सर हर घर में होता है, क्यों कभी किसी बात पर मेरी राय जरूरी नहीं है, क्यों मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी नहीं है, क्यों तुम भूल गए वादे सारे, क्यों सारे वचन सिर्फ मैं निभा रही हूँ, क्यों एक वादा भी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। ये दो लाइन है जो सारे घरों की कहानियां होती हैं। औरत बर्तन घिसते घिसते लकीरें तक घिस देती है अपनी किस्मत की, औरत बर्तन घिसते घिसते लकीरें तक घिस देती है अपनी किस्मत की, लेकिन रिवाज है साहब घर में इज्जत रोटी कमाने वाले की होती है न कि बनाने वाले की। लड़कियां थोड़ा ज्यादा बोल रहे तो अक्सर सबको बुरा लग जाता है, तो ये मेरी पोयम उसके ऊपर है कि लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है, उसको बर्दाश्त ही नहीं मेरा बेखौफ रहना, उसको बर्दाश्त ही नहीं मेरा बेखौफ रहना, इतना ज्यादा बोलना मेरा सजना सवरना, उसको बर्दाश्त नहीं मेरा सबसे बात करना, उसको भाती थी वो बेचारी सी मैं, थकी भी और सबसे हारी हुई मैं, मेरा घूंघट में रहना किसी से कुछ ना कहना, मेरा घूंघट में रहना किसी से कुछ ना कहना, उसको पसंद है मेरा चुपचाप सब सहना, ये मैं अकेली मैं नहीं ये हर नारी की कहानी है, वो रोक टोक करने वाला कोई एक नहीं, ये समाज की प्रथा पुरानी है, मैं बेबस सी चुप बैठी रहूं हर यातना चुप सहती रहूं, मैं बेबस सी बैठी रहूं हर यातना चुप सहती रहूं, मैं इतनी तो लाचार नहीं, तुम हो तो अस्तित्व मेरा है ये मुझे स्वीकार नहीं, क्यों हर बात में किसी से मुलाकात में किसी भी हालात में मुझे देखना होगा कि तुम क्या चाहते हो, कौन से लफ्ज हो मेरी बात में, कौन सा शख्स हो मुलाकात में, तुम साथ निभाने का वादा हो, तुम मेरा हिस्सा आधा हो, तुम हो मेरे हर जज्बात में तो तुम्हें क्यों नहीं विश्वास मेरे विश्वास में, मुझे मालूम है मैं तुम्हारी साथी हूँ, मुझे मालूम है मैं तुम्हारी साथी हूँ, तुम दिया हो तो मैं भी बाती हूँ, मुझे बाती बनकर तुम्हारे साथ चलना होगा, मगर तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अगर गलत हूँ मैं तुम सही करो हर बार मुझे, अपने गलत को भी सही बताकर सिखाओ मत संस्कार मुझे, थैंक यू। चार लाइनों से मैं अपनी पोयम का अंत करती हूँ। एक नारी के विषय में कुछ ऐसे भी विचार हैं वो सही नहीं है, स्पष्ट नहीं है, वो सब युद्धों का आधार है। द्रौपदी को सारे युद्ध का मेन बता दिया था कि सारा युद्ध उसकी वजह से हुआ है महाभारत का। तो एक नारी के विषय में कुछ ऐसे भी विचार हैं वो सही नहीं है, स्पष्ट नहीं है, वो सब युद्धों का आधार है। यदि उसको कोई चोट पहुंचाए तो गलती ही उसकी हर बारी है। ये बड़ी अजीब विडंबना है, जो सबका इतना ध्यान रखे वो सबकी नजरों में बेकार है।